हमारे पहाड़ों के डॉक्टर और सारे लोग कर्मचारी बैंकों के या किसी चीज़ के वो बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं। पहाड़ के ड्राइवर और पहाड़ के जितने भी गाड़ी वाले होते हैं उनको उनके जैसा मददगार कोई होता ही नहीं है। अगर आप 10 कट्टे लेके भी आओगे ना वो भी आपकी गाड़ी। हेलो दोस्तों, मैं छु पहाड़ी उत्तराखंड का रहनी। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके आ रखे हैं। ये वीडियो हमारी पहाड़ के उन लोगों के लिए है जो पहाड़ में बहुत ही बुजुर्ग लोग हैं, तो उन पर ये वीडियो बनाई जा रही है। जो अपना काम महीनों महीनों में मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो है। तो सभी जितने भी लोग पहाड़ में रह रहे हैं, पहाड़ में हैं और पहाड़ में बसे हुए हैं, जो भी हमारे अपने पहाड़ों में हैं, तो सभी जो जवान हैं जो थोड़ा सा किसी का बोझ उठा सकते हैं या कोई किसी की थोड़ा मदद कर सकता है, तो उन लोगों के लिए खास तौर पर ये वीडियो बनाई गई है। पहाड़ में जितने भी भाई बंधु हैं हमारे, माताएं बहनें, जो भी हैं बड़े जो भी हैं छोटे, तो सबसे एक मेरी छोटी सी गुजारिश है कि आप पहाड़ में उन लोगों की मदद करें। ये मदद वैसी मदद नहीं कि आप उनकी पैसों से मदद करें, क्योंकि पहाड़ में बहुत सारे लोग रह रहे हैं जो बुजुर्ग हैं। अभी मैं पहाड़ की दशा थोड़ा देख के आया हूँ, तो उसी पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो पहाड़ों में जितने भी लोग रह रहे हैं, जहाँ भी आप हैं, जो भी शहर में है, सभी के लिए वीडियो है। तो हम भी जहाँ पर रहते हैं, जहाँ भी हमें कोई दिखता है बुजुर्ग, तो मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ, आप लोग जो भी जहाँ भी रह रहे हो, तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं खास तौर पर ये वीडियो पहाड़ वालों के लिए है, क्योंकि पहाड़ों में रोड गाँव गाँव पहुँच चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी जो निजी काम है जैसे कि बैंक का, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस जाना या बिजली का बिल जमा करना जाना, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो उनके वो लोग उनको बाजार जाना पड़ता है। तो सबसे मेरी आग्रह है कि आप उन लोगों की जो उन बुजुर्गों की मदद करें, जो अपनी दवाई लेने अगर बाजार जाता है तो थोड़ा उसकी अगर आपको दिखता है भी, कोई भी चाहे वो आपको जान पहचान वाला हो चाहे ना हो, अगर आपको दिखता है तो आप प्लीज़, अगर वो हॉस्पिटल जा रहा है तो आप उसको हॉस्पिटल में उसकी मदद करें, पर्ची कटाने में या जो भी आपको लगता है, जहाँ भी आपको लगता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर वो बैंक जा रहा है तो आप बैंक में उनकी मदद करें, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ मजबूरी में जब उनको पैसा निकालना होता है, दिखाना होता है, उनके जो पैसे कमाने वाले उनके बच्चे हैं वो उनके लिए पैसे भेजते हैं या अपनी पेंशन निकालने जा रहे हैं, जितनी उनकी पेंशन आती है तो वो उनके पैसे उनके लिए आते हैं, भेजते हैं। उनको वैसी मदद कोई भी नहीं चाहिए, बस उनको ये मदद चाहिए कि उनके आप थोड़ा हेल्प कर दो। अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं, जितने भी हमारे कर्मचारी होते हैं वो बैंक में हो या हॉस्पिटल में, उनको हमारा सलाम है, क्योंकि वो हर किसी की देख रेख नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक कस्टमर नहीं होता है, उनके पास एक पेशेंट नहीं होता है, तो वो एक आदमी को देखेंगे तो उनके सारे और लोग छूट जाएंगे। तो उनको भी अपने कानून, अपने नियम के अनुसार काम करने दीजिएगा, उन पर कोई आप दबाव ना डालें। लेकिन हमारे पहाड़ों के डॉक्टर और सारे लोग कर्मचारी बैंकों के या किसी चीज़ के वो बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं हर चीज़ में। लेकिन आप फिर भी, मैं आपको एक छोटी सी गुजारिश रखूँगा आप लोग के लिए कि आप उनकी मदद कर लीजिएगा, क्योंकि कर्मचारियों पर हम किसी बात का कोई दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे कस्टमर होते हैं, बहुत सारे उनके पेशेंट होते हैं, तो वो लोग आपको एक अच्छी तरह एक फैमिली डॉक्टर की तरफ नहीं दिख सकते हैं। आप उनकी मजबूरी को समझें, उन पर हम किसी बात का कोई दोष नहीं दे सकते, लेकिन हमसे जितना हो सके हम दोस्तों प्लीज़ आप उन लोगों की मदद कर लीजिएगा। मान लो कोई बुड्ढा बहुत देर में जा रहा है, मान लो कि हमारा हॉस्पिटल, आप जैसे हमारे लोकलिटी में हॉस्पिटल आपका मासी बाजार लगा दो, गाड़ी वाला आपको बाजार में उतारेगा, हॉस्पिटल में नहीं छोड़ेगा, लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको कम से कम 500 मीटर से ज़्यादा जाना पड़ता है, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर के आसपास जाना पड़ता है, पैदल पैदल घूम के फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है पैदल। तो ऐसी जगह पर उनकी मदद करें। एक एग्जांपल दिया मैंने, ऐसे बहुत जगह होंगे, कहीं कहीं पर हॉस्पिटल सड़क के किनारे पे भी हैं, ऐसा नहीं है। और पहाड़ के सभी भी ड्राइवरों को और सभी गाड़ी वालों को मेरा सलाम है, उनको मैं बहुत दुआ देता हूँ कि भगवान आपको कभी भी कोई दुख ना दे, आपके परिवार को हमेशा हंसते खेलते रहे। पहाड़ के ड्राइवर और पहाड़ के जितने भी गाड़ी वाले होते हैं उनको उनके जैसा मददगार कोई होता ही नहीं है। अगर आप 10 कट्टे लेके भी आओगे ना वो भी आपकी गाड़ी की छत में चढ़ाएंगे, छत से नीचे उतारेंगे, आपके घर पे उतारेंगे, तो उनके जैसा बड़ा इंसान दिलदार मैंने लाइफ में नहीं देखा आज तक। आप कितने भी सामान के कट्टे भर लो, वो आपकी गाड़ी में चढ़ाने के बैठाने में, जहाँ पर गाड़ी रोकनी है आपको वहाँ पर गाड़ी रोकेंगे, जहाँ पर आपको चढ़ानी है वहाँ पर चढ़ाएंगे। उनके अगर आपको बोल दिया ना आपने कि बेटा मेरे को 10 मिनट रुकना है, आधा घंटा रुकना है, तो आपके लिए रुकेंगे। आपके लिए बोलना है कि अगर आपने कॉल कर दिया कि भाई रुक जाए 1 घंटे, तो आपके लिए 1 घंटा भी इंतजार करें। और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं वो आपसे किसी चीज़ की कोई मदद नहीं मांगते हैं, आपसे पानी ला दे, ये ला दे, वो ला दे, क्योंकि आजकल घर घर पानी भी आ चुका है, घर घर सड़क भी आ चुकी है, न किसी पैसे की कोई मदद मांगते। आप बस अपने हित में जो आपको लगता है कि हमें कहीं पर मदद करनी चाहिए, तो वो मदद आपको लोग को कर लेनी चाहिए।
बस आप एक मनुष्यता जो दिखाएं उसके लिए आप थोड़ा उनकी हेल्प कर दें। जैसे कि वो सड़कों से चल रहे हैं तो उनको कुछ सामान भारी हो गया, कुछ भी हो गया, थोड़ा वहाँ पर हेल्प करना, क्योंकि मैं इन चीज़ों को फेस करके आया हूँ, तो इसीलिए इस बात को आपके समूह रख रहा हूँ। तो आप लोगों से एक छोटी सी मेरी आग्रह है कि आप प्लीज़ ऐसी हेल्प करें। अगर कोई चाय पत्ती चीनी ऐसे नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ मंगाती है तो वो वही चीज़ उनके लिए आप जहाँ भी आप जाते हैं थोड़ा बहुत ले आइएगा। और उन बुजुर्गों से भी मेरी एक छोटी सी आग्रह है कि आप इतना सामान ना मंगाए कि सामने वाला अपने घर के सामान ही उसमें भूल जाए, क्योंकि जो बाजार जाएगा वो नॉर्मली ऐसा सामान लेना जाएगा नहीं कि वो खाली जा रहा होगा, वो काम के लिए ही बाजार जाएगा, तो वो अपने घर का महीने का सामान लेके आएगा। तो आप उनको हल्के आइटम मंगाएं जो आपके निजी ज़रूरत है, आवश्यकता है जिस चीज़ को वो खा, उसी चीज़ को मंगाएं। अब आपने 25 किलो आटा ले आना, 20 किलो आटा ले आना, तो ऐसे भी चीज़ ना मंगानी है। और सभी मददगारों से मेरी एक छोटी सी विनती है कि आप प्लीज़ जो भी आपको मिलता है रास्ते में, चाहे कोई भी शहर में रहे, तो प्लीज़ बहुत से उनकी मदद करें। हमारे देश में या कहीं भी तो डिजिटल जो चल रहा है वो हो चुका है, लेकिन सभी लोग डिजिटल में काम करना सबको आता नहीं है, तो आप सबको पता है। चाहे किसी का बेटा कितना भी बड़ा आदमी हो या कई बड़े पोस्ट हो, जुड़े नहीं कि उनके फैमिली वालों को वो काम आता होगा। वो अगर शहरों में बाहर रह रहे तो वहीं से वो काम कर सकते हैं, वहाँ का काम वो कोई नहीं कर सकता है, वो काम उन्हें एक निजी तरीके से करना पड़ेगा, वहाँ पर डिजिटल का कोई काम नहीं आने वाला है। तो इसलिए आप लोगों से एक छोटी विनती है कि आप ऐसी चीज़ों को समझें, क्योंकि पैसा आप इधर से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बहुत काम अपने आप फ़ोन से कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें ऐसी होती है उनको आप किसी भी पैसे से नहीं या किसी के फ़ोन से कर ही नहीं सकते हो। तो ऐसी चीज़ों को आपको मनुष्य की ज़रूरत पड़ेगी, तो मानो तो आप दिखाएं, इसमें आपका भगवान भी अच्छा करेगा और आपके लाइफ में खुशियाँ आएंगी। कहते हैं कि मदद करने से फ़ायदा नहीं होता है, बेकार होता है, एक न एक दिन उसका फ़ायदा ज़रूर होता है, क्योंकि जो मदद करता है उसके लाइफ में दुख आता है, इस बात को मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो मदद करना आप किसी के छोड़े नहीं, और मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, एक न एक दिन आपको जरूर उसका फल मिलेगा। और मदद करने वाले को भगवान कभी बुरा भी नहीं करता है और ना कभी उसको भूखा सुलाता है। तो सभी दोस्तों को मेरी छोटी सी विनती है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको आगे तक लोगों तक शेयर करें। और इसके बाद मेरी एक बहुत ही जल्दी वीडियो आने वाली है डिलीवरी बॉय पे, और जितने भी हमारे टूरिस्ट प्लेस है उस पर भी बहुत वीडियो जल्दी आने वाली है। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और आगे बढ़ते रहें। तो आप लोग को फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।